इस टाइप का फिगर में से अगर हमें इसका टोटल एरिया निकालने के लिए देंगे तो हम कैसे इसका एरिया निकालेंगे, वही इस वीडियो में सीखेंगे। अगर हम इस फिगर को ऑब्जर्व करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, ये एक रेक्टेंगल है, ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, और ये जो ट्रायंगल है दोनों ट्रायंगल कैसा है, इक्वल है। मतलब इसका वैल्यू जितना आएगा, इसका एरिया जितना आएगा, इसका भी सेम आएगा, क्योंकि इसका जो भी वैल्यू दिया है इसका भी सेम ही वैल्यू दिया हुआ है। मतलब एक ट्रायंगल का अगर हम एरिया निकालेंगे तो उसको 2 टाइम्स कर देंगे तो इन दोनों का टोटल एरिया की बराबर हो जाएगा। अभी इस बीच में जो रेक्टेंगल है इसका एरिया निकालना बहुत ही सिंपल हो रहा है। क्यों सिंपल हो रहा है, क्योंकि ये लेंथ है l इक्वल टू 24 दिया हुआ है एंड ब्रेथ इक्वल टू बी, ये ब्रेथ होगा, ब्रेथ इक्वल टू हमें 10 सेंटीमीटर मिल जाएगा। लेंथ एंड ब्रेथ की वैल्यू से हम ये जो रेक्टेंगल है रेक्टेंगल का एरिया बहुत ईजी से निकाल पाएंगे। लेकिन ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का मान लो ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का क्या दिया हुआ है, साइड का वैल्यू दिया हुआ है, साइड का वैल्यू ऐसे दिया हुआ है। तो ऐसे जब साइड का वैल्यू मेंशन होगा तो हमें एरिया निकालने का तरीका थोड़ा अलग होगा। मतलब हॉरेंस नाम का एक मैथमेटिशियन है, उसका हम फॉर्मूला यूज़ करके इसका एरिया निकालेंगे। तो ये जो साइड का वैल्यू दिया हुआ है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एस लिखेंगे, एस इक्वल टू सभी वैल्यू को सम करेंगे, 13 + 13 + 10 कर देंगे, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। ये जो एस है, एस क्या है, एस इक्वल टू हम लिख सकते हैं सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर, एस इक्वल टू सेमी पेरीमीटर। इसको हमें इतना जानने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट एस इक्वल टू हमें सभी साइड में जितना वैल्यू है वैल्यू को सम करके 2 से डिवाइड कर देना है। तो उसको सम करेंगे तो 26 + 10 = 36 आएगा, 36 / 2, 2 से इसको काटेंगे तो 18 टाइम्स होगा, मतलब 18 आएगा इसका सेमी पेरीमीटर। अभी हम इसका एरिया निकाल पाएंगे, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया एफ। तो अगर हम ऐसे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी एफ इक्वल टू हम कैसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू हॉरेंस फार्मूला, इसको हमने इसीलिए निकाला, ऐसे रूट ओवर आएगा 18, ये जो सेमी पेरीमीटर है, सेमी पेरीमीटर पहले रहेगा, उसके बाद हम लिखेंगे सेमी पेरीमीटर माइनस ए, सेमी पेरीमीटर माइनस बी, सेमी पेरीमीटर माइनस सी। और ये जो ए बी सी है ये क्या है, ये एक एक साइड का वैल्यू है। मतलब मान लो इसको हमने ए कंसिडर कर लिया, ये बी होगा, ये सी होगा। तो इतना हमें समझना नहीं है, डायरेक्टली हमें ऐसे लिखना है रूट ओवर ये जो सेमी पेरीमीटर है इसको लिखना है, उसके बाद इसको एक बार लिखना है, नेक्स्ट इसको एक बार, उसके बाद फिर से इसको एक बार लिखना है। लिखने के बाद क्या करना है, ये जो साइड का वैल्यू है एक एक बार इससे माइनस कर देना है, माइनस 13 करेंगे, इसको माइनस करेंगे माइनस 13, उसके बाद हम इसको माइनस करेंगे माइनस 10। तो ये जो 18 इसकी वैल्यू क्या आएगा, इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो ऐसा आएगा 18 बाहर रहेगा इंटू 18 - 13 करेंगे तो 5 आएगा, इंटू 18 - 13 करेंगे तो 5 आएगा, अगेन 18 - 13 करेंगे तो 5 आएगा, इंटू 18 - 10 करेंगे तो 8 आएगा। तो उसको मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगा 3600 रूट ओवर रहेगा, तो फाइनली वैल्यू हमें मिलेगा 60, क्योंकि 60 × 60 इक्वल टू 3600 होगा। तो ये जो 60 मिला है, 60 हमें किस साइड का एरिया मिला है, इस ट्रायंगल का एरिया मिला है। तो इसका एरिया अगर 60 है तो इसका भी 60 होगा, मतलब 120 आएगा इन दोनों का एरिया। तो अभी हम इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे, निकाल कर सभी को जोड़ देंगे तो आंसर हो जाएगा। तो उसको अभी हम सोल्व करेंगे, इसको जस्ट मैंने समझने के लिए ऐसे लिख दिया है। अभी हम डायरेक्ट इसका सोल्यूशन करेंगे, डायरेक्ट हम ऐसे लिख सकते हैं एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ये कौन सा रेक्टेंगल का हम एरिया निकालेंगे, बी सी ई एफ। तो इधर हम लिख सकते हैं बी सी ई एफ इक्वल टू क्या लिखेंगे, एल इंटू बी इक्वल टू, एल की जगह पर हम लिखेंगे 24, इंटू बी की जगह पर लिखेंगे हम 10। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 सेंटीमीटर आएगा इसका आंसर। मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये इधर एक सेंटीमीटर है, इधर एक सेंटीमीटर है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अगर हम चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि गिवन लेंथ एल इक्वल टू कितना दिया हुआ है 24 एंड ब्रेथ, इसमें सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा, सेंटीमीटर
एंड ब्रेथ, ब्रेथ बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ऐसे लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे एरिया ऑफ द रेक्टेंगल बी सी ई एफ इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू ये आएगा वैल्यू। अभी हम ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, तो उसके लिए हम लिखेंगे फ्रॉम द ट्रायंगल ट्रायंगल कौन सा लेंगे, इसको लेंगे ए बी एफ, ए बी एफ। इस ट्रायंगल से हम इसका सेमी पेरीमीटर पहले निकालेंगे, तो एस इक्वल टू हम लिखेंगे 13 + 13 + 10 डिवाइडेड बाय 2। इन सभी को जब सम करेंगे वैल्यू आएगा 36/2। 2 से 36 को जब काटेंगे तो कितना होगा, 2 डिवाइडेड बाय ये 36 है, 36 जब करेंगे 18 आएगा, तो इक्वल टू हमें मिलेगा 18, इसमें हम लिखेंगे सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट हम इसका एरिया निकालेंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी एफ इक्वल टू, तो हेरेंस का हम फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ इधर, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 18 माइनस 13 करेंगे, नेक्स्ट 18 माइनस 13 करेंगे 13, नेक्स्ट 18 माइनस कितना काटेंगे, इसमें कितना था 10 था, 10 काटेंगे, तो नेक्स्ट क्या आएगा, इसमें 18 होगा, इसमें से निकल के आएगा 5, इसमें से निकल के आएगा 5 इंटू इसमें से निकल के आएगा 8। तो इन सभी वैल्यू को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी इक्वल वैल्यू हमें मिलेगा रूट ऑफ 3600 मिलेगा, इसका रूट ओवर वैल्यू कितना होगा 60 होगा, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। हम लिखेंगे वी नो दैट हम ये जानते हैं कि ट्रायंगल ये जो सी डी ई है, सी डी ई इक्वल टू क्या, कौन सा ट्रायंगल होगा, ए बी एफ होगा, ट्रायंगल ए बी एफ होगा। तो ए बी एफ का वैल्यू इधर हमें मिल गया है, ए बी एफ ट्रायंगल का वैल्यू कितना है 60 है, तो इधर हम लिखेंगे 60, तो ट्रायंगल सी डी ई का वैल्यू हमें मिल गया है 60, तो इधर हमें इस ट्रायंगल का वैल्यू मिल गया है 60, इसका वैल्यू मिल गया है 60, और ये जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का वैल्यू हमें मिल गया है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो ट्रायंगल सी डी ई है, इसका 60 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें लिखना पड़ेगा, इसमें भी सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर को सम करेंगे तो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, प्लस हमें कितना करना है 240 जब कर देंगे तो इसकी इक्वल वैल्यू आएगा 360 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ये टोटल पॉलीगन का हमें एरिया। तो इधर हम लिखेंगे टोटल एरिया ऑफ द पॉलीगन, पॉलीगन कौन सा था, ए बी सी डी ई एफ, तो इधर हम लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ इक्वल टू हम डायरेक्ट ऐसे वैल्यू को पुट कर देंगे 240 + 60 + 60 ऐसे कर देंगे। तो अगर हम चाहे तो इसको इक्वेशन 1 ऐसे कर सकते हैं, इसको हम चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, इसको हम लेंगे इक्वेशन 1 और ये जो वैल्यू हमने निकाला इसको लेंगे इक्वेशन 2 और इसको लेंगे इक्वेशन 3। तो हमें सम कर देना है, तो इधर हम लिखेंगे टोटल एरिया ऑफ द पॉलीगन ए बी सी डी ई एफ इक्वल टू इक्वेशन 1 + इक्वेशन 2 + इक्वेशन 3 ऐसे लिख देना है। तो 1 में कितना आया 240 आया, प्लस 2 में क्या आया 60, 3 में 60, सभी को सम करेंगे तो 360 आएगा इसका वैल्यू, और इसका यूनिट होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये होगा इसका आंसर।